हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 19.25 पे हैं और कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। हमें इंटीग्रल निकालना है एक्स कॉस एक्स डीएक्स। हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है ना जी, आईलेट वाले मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना जी। तो यहाँ देखिए आपका पहले ये एक्स क्या है, एलजेब्रिक है, और कॉस एक्स क्या है आपका, ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो एलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर यू होगा आपका एक्स और भी होगा आपके पास कॉस एक्स। तो हम लोग जानते हैं यू इंटू भी का इंटीग्रल क्या होता है। यू इंटू में इंटीग्रल ऑफ भी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू में इंटीग्रल ऑफ भी डी एक्स डी एक्स, तो ये हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यानी यू इक्वल टू में यहाँ पे क्या होगा, एक्स हो जाएगा, और भी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स इंटू में इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस में इंटीग्रल ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव इंटू में इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर कॉस का इंटीग्रल साइन हो जाएगा, तो एक्स साइन एक्स माइनस का इंटीग्रल ऑफ वन इंटू में साइन एक्स डी एक्स। चलिए अब इसके बाद देखते हैं एक्स साइन एक्स, और ये वन साइन एक्स लिखो या फिर सिर्फ साइन एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन का इंटीग्रल आपको पता ही है, कॉस हो जाएगा माइनस का, तो प्लस आ जाएगा, और प्लस इसी, ये आपका आंसर हो गया। समझ गया, नेक्स्ट।